सेवेंथ क्लास टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 4.1 सेवेंथ क्लास हियर राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नीचे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इनकी हमें क्या करना है इक्वेशंस राइट करनी है द सम ऑफ नंबर एक्स एंड फोर इज 9 तो यहां पे देखिए इन द फर्स्ट पार्ट The sum of x and 4 is 9. Sum क्या होता है प्लस x और 4 का सम यानी देखिए यहाँ पे x प्लस 4 इज मीन टू से आप लगाओगे इक्वल का साइन इज का मतलब क्या है इक्वल का साइन 9. सम ऑफ x एंड 4 इज 9. सम मीन टू से प्लस ऑफ x एंड 4 इज 9. इज का मतलब है इक्वल ओके टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y. टू सब्ट्रैक्ट मतलब टू को माइनस किया जाए फ्रॉम वाई वाई में से टू को माइनस किया जाए इज का मतलब क्या है इक्वल का साइन 8 टू सब्ट्रैक्ट टू को सब्ट्रैक्ट किया गया फ्रॉम वाई वाई में से इज 8 नाउ कम टू दी थर्ड 10 टाइम्स ए 10 टाइम्स का मतलब है ए का 10 टाइम मीन टू से 10 की मल्टीप्लाई कीजिए ए से क्या आएगा 10 ए 10 टाइम्स ए इज का मतलब इक्वल 70 कि 10 टाइम्स करें अगर हम ए का इज इक्वल टू क्या आता है 70 नाउ कम टू द नेक्स्ट द नंबर बी जो नंबर बी है डिवाइडेड बाय 5 वो 5 से डिवाइडेड है नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स का मतलब भी क्या होता है इक्वल जैसे इज का मतलब इक्वल है ऐसे गिव्स का मतलब इक्वल कि अगर b को 5 से डिवाइड करे गिव्स क्या देता है वो 6 द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6 नाउ फिफ्थ 3/4 का मतलब है 3 अपॉन में 4 3/4 ऑफ t का 3/4 यानी 3/4 की मल्टीप्लाई किससे करोगे t से तो वो क्या हो जाएगा 3/4 इज 15 इज दैट क्लियर 3/4 ऑफ टी ऑफ मीन टू से मल्टीप्लाई टी की मल्टीप्लाई 3/4 से करें इज क्या है 15 नाउ कम टू दिस सिक्स्थ पार्ट 7 टाइम का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई हम करते हैं m से 7 टाइम m आगे क्या है प्लस 7 और उसमें क्या करें 7 को प्लस करें गेट्स का मतलब भी क्या होता है इक्वल गेट्स यू 77 गेट्स यू 77 तो 7m की मल्टीप्लाई क्या हो गई 7m प्लस में 7 इज इक्वल टू 77 अगेन देखिए 7 टाइम्स ऑफ m का 7 टाइम मीन टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई प्लस 7 उसमें प्लस किया मैंने 7 गिव्स मीन टू से इक्वल 77 इट बिकम 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77 नाउ 1/4 का मतलब है 1/4 ऑफ का मतलब है ए 1/4 ऑफ ए नंबर सॉरी यहाँ पे क्या था ये ए कोई नंबर नहीं था ए यहाँ पे 1 के लिए लिखा गया था मतलब कोई चीज एक 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स किसी नंबर एक्स का 1/4 किसका है ये 1/4 एक्स का तो ए की जगह पे आप क्या राइट करोगे एक्स माइनस कर दें 4 उसमें से क्या माइनस करें 4 गिव्स क्या है 4 देखिए यहाँ पे अगेन मैं इसको राइट करती हूँ 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स किसी नंबर एक्स का क्या है ये एक्स किसी नंबर एक्स का 1/4 माइनस 4 और उसमें से क्या माइनस करें 4 तो वो क्या गिव्स करता है हमें 4 1/4 एक्स तो 1/4 के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इसके पास में लिखा जाएगा माइनस में 4 और ये क्या गिव्स करता है हमें 4 नाउ 8th इफ यू अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम ऑफ y इफ यू अवे मतलब माइनस कर दो इफ यू अवे 6 अगर आप 6 को माइनस कर दो फ्रॉम किस में से 6 टाइम ऑफ y के 6 टाइम में से अगर 6 को माइनस कर दें तो क्या आता है यू गेट क्या है ये 6 है यहाँ पर गेट का मतलब इक्वल देखिए इफ यू अवे 6
मतलब अवे मतलब अगर सिक्स को माइनस कर दे फ्रॉम सिक्स टाइम ऑफ वाई, वाई के सिक्स टाइम में से मतलब सिक्स मल्टीप्लाई वाई गेट सिक्स, क्या मिलता है आपको सिक्स। तो सिक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, इफ यू एड थ्री, अगर हम थ्री को एड कर दें, एड मतलब प्लस कर दें टू वन थर्ड ऑफ जेड, किस में वन थर्ड ऑफ जेड, जेड के वन थर्ड में वन बाय थ्री, वन थर्ड में इंटू से वन बाय थ्री ऑफ जेड, यू गेट थर्टी। अब देखिए वन बाय थ्री जेड प्लस में थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया थर्टी। नाउ कम टू दी फिफ्थ सम, राइट दी फ्लोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ऊपर आपको स्टेटमेंट गिवन थी हमने क्या बनाई इक्वेशन, बट इन दी फिफ्थ सम, इन दी फिफ्थ सम वी हैव टू राइट स्टेटमेंट फॉर्म। हमें इक्वेशन गिवन है पी प्लस फोर इज इक्वल टू क्या है 15। देखिए p प्लस फोर इज इक्वल टू 15, तो ये क्या है सम ऑफ p एंड 4 इज 15। आप इसको ऐसे राइट करोगे सम ऑफ p एंड 4 इक्वल का मतलब इज 15। और आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 4 प्लस p इज 15। नेक्स्ट है एम माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री, सेवन माइनस आप लिखोगे सेवन माइनस, या ऐसे भी सेवन लिख सकते हो काउंटिंग में भी, सेवन माइनस किसमें से क्या गया फ्रॉम एम, फ्रॉम एम सेवन माइनस फ्रॉम एम, आप गेट भी लिख सकते हो और यहां पे इज भी, सेवन माइनस फ्रॉम एम इज थ्री, इज गेट गिव्स कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड पार्ट 2m इज इक्वल टू 7, तो ये 2m के मल्टीप्लाई में आप लिखोगे 2 टाइम्स किसका 2 टाइम्स ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ m गिव्स 7, या इज भी लिख सकते हो। m बाय 5 है ये, 5 किसको डिवाइड कर रहा है m को, आप लिखोगे m डिवाइडेड बाय फाइव। एम किससे डिवाइडेड है 5 से, एम डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, या इज 3 भी आप राइट कर सकते हो। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एम किसको डिवाइड कर रहा है 3 को, 3m को, ठीक है। 5 किसको डिवाइड कर रहा है 3m को, आप लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड्स, आप लिखोगे 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड करता है 5 डिवाइड्स 3 टाइम्स ऑफ एम, 3 टाइम्स 5 डिवाइड 3 टाइम्स ऑफ एम गिव्स 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स एम, 3 टाइम्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको बाद में लिखते हो तो डिवाइडेड बाय लिखना पड़ेगा, या तो आप इसको ऐसे लिखो 5 डिवाइड्स 3 टाइम ऑफ m गिव्स 6, और मैं इसका ऑप्शन में बता देती हूं आपको 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m, अगर आप इसको पहले लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ m डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, या इज 6 भी आप राइट कर सकते हो। तो इसके आपके ना 8 पार्ट थे यहाँ पे, तो अभी मैंने आपको इसके 5 पार्ट करवा दिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 पार्ट है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको करवाऊंगा।